कि गाड़ी से उतार के ले गए थे आपको या आप गाड़ी में कैसे थे या गाड़ी गलत खड़ा है तो बाद में पता चला क्या मतलब क्या नाम है एक मिनट अरे चलो मतलब क्या नाम है आपका अनीश नरूला अनीश की रहना कहेंगे क्या हुआ है आप बस मैंने कल चेक करा तो मेरी गाड़ी का चलान मैंने नेट पे देखा फिर मैं यहाँ एसपी ट्रैफिक ऑफिस आया था तो एसपी साहब कहीं पे शायद राउंड पे थे तो मैंने कार्यालय पे पता किया तो इन्होंने मुझे बताया कि कंप्यूटर मेरा काम नहीं कर रहा है फिर नेट पे जो शो कर रहा था वो ये शो कर रहा था कि मेरी गाड़ी का चलान हो गया और कार का उसमें हेलमेट नहीं लगाया हुआ है 500 रुपये का चलान था जब मैंने सब तरफ से चेकिंग करी तो उसमें ये दिखाई दे रहा है कि इन्होंने हेलमेट लगाया था कार पे 500 रुपये का चलान डाल दिया अब मैं वही दिखाने आया हूँ तो शायद स्कूटी दिखाई दे रही है उसमें और उसका नंबर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आपकी कौन सी कार है मेरी क्रेटा गाड़ी है UP 25 CA 666 तो ये कब की घटना है ये बस 26 की दिखाई जा रही है कहाँ से दिखाई जाए लोकेशन क्या दिखाई लोकेशन कुछ नहीं दिखाई अभी मैंने लोकेशन देख नहीं पाया हूँ अभी आपकी गाड़ी का कभी चालान कटा है नहीं आज तक नहीं कटा है ये मतलब नंबर गाड़ी आपका है और हाँ नंबर मेरा है चालान किसी और का है चालान बिना हेलमेट के कार चलाने का हाँ कब से चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे नहीं मैं कल ही आया हूँ पहली बार कल भी आए थे और आज चला हाँ आज तो ये तो एक तरह से लगातार उत्पीड़न हो रहा है जिस तरीके से आप कार में भी हेलमेट लगाने के कहा जा रहे थे सर मैं ये नहीं कह सकता कि कार में हेलमेट लगाने को आया जा रहा है लेकिन जो चालान शो कर रहा है उसके हिसाब से कार हेलमेट का ही चालान किया गया है कि कार बिना हेलमेट के चला रहे थे कुछ नहीं कुछ नहीं एक अवनीश जी हैं वो मेरे पास अभी आए हैं उन्होंने बताया है कि साहब मेरी तो गाड़ी है क्रेटा गाड़ी है और मैंने 2 दिन पहले चेक किया तो मेरी गाड़ी पे चालान दिखाया जा रहा था और वो बगैर हेलमेट के जबकि मेरी गाड़ी 4-व्हीलर है और उसमें हेलमेट पहनने की कोई आवश्यकता तो है नहीं तो मेरा बगैर हेलमेट में चालान कर दिया गया गाड़ी क्रेटा 4-व्हीलर है अभी मैंने इनसे एप्लीकेशन मांगी है और डिटेल निकलवाया है हमारे एक कोई सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के हैं उनके द्वारा ये गलती हुई है एक दो गलती पूर्व में भी मेरे प्रकाश में आई है जिसमें हुआ ये है कि हेलमेट में और सीट बेल्ट में गलत चालान हो गए हैं उनकी एप्लीकेशन लेकर संबंधित का स्पष्टीकरण कॉल करते हुए मैंने उसमें संशोधन कर दिया है ई चालान में जब भरते हैं तो जो सज़ा है वो ऊपर नीचे है कभी कभी सब इंस्पेक्टर जो दबाना चाहता है वो बटन नहीं दबता है और उस वजह से ये गलती हो जाती है ऐसे सभी प्रकरण जो मेरे सामने आते हैं और या जो ऐसे प्रकरण जो चालान होते हैं और बैलेट कागज़ वो मौके पे नहीं दिखाते हैं और लाकर यहाँ दिखाते हैं कि साहब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है और मैं मौके पे नहीं ले गया था तो मैं उसकी भी एप्लीकेशन लेके इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसका पैसा कम कर देता हूँ नहीं मैंने बताया आपको कि इसमें जो रहा होगा जो सीट बेल्ट का और हेलमेट का सजा है जो कालम है वो ऊपर नीचे है कहीं ना कहीं बटन दबाने में टच स्क्रीन में उसके द्वारा गलती हुई है और उसकी वजह से वो हेलमेट में दिखाया जा रहा है इनकी एप्लीकेशन लेके उसको हम संशोधित कर देंगे ऐसे प्रकरण कई पूर्व में भी एक दो लोग आए हैं लगातार सब इंस्पेक्टर को हम लोग इसको समझा रहे हैं बता रहे हैं ई चालान हो रहा है एक आध कहीं गलती होती है तो उसमें उसकी अपनी एप्लीकेशन लेके उसमें संशोधन कर देते हैं दिल्ली पुलिस ने आज एक फरमान जारी